हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इनफॉर्मर। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट किया कि भाई आपके चैनल पे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं, 1.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है और आपके चैनल पे जो वीडियो का व्यू है ये बहुत कम है, ऐसा क्यों होता है। तो आज मैं सोचा कि इस चीज़ का मैं जवाब आपको दे ही दूँ, रीज़न भी बता दूँगा, इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि चैनल पे अगर आप एनालिटिक्स में देखेंगे तो वीडियो का व्यू कम नहीं है। आप जो है टॉप मोस्ट वीडियो देखिएगा तो बहुत सारे वीडियो है जो मिलियन में व्यू है, लाखों में व्यू है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं कि जो 1 मिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिसका 4-4 लाख जो है व्यू है, बहुत सारे 50,000 भी है। लेकिन आप रिसेंट में वीडियो देखिएगा तो उसमें जो है आपको व्यू कम नज़र आएगा। कुछ वीडियो है जिसपे जैसे कि 28,000, 16,000, 15,000 व्यू है, बाकी सब पे जो है आपको 100 में मिलेगा, कुछ 1,000 में मिलेगा, ऐसा होता है। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न एक तरह से मैं ये कहूँ कि उसका कारण भी आप लोग ही हैं। देखिए होता क्या है कि मेरा स्टार्टिंग में जो मेरा चैनल पर जो वीडियो बनता था वो था जो एकदम एक हाइक पहुँचा था, वो बिजनेस से रिलेटेड था। और बिजनेस जो कि मेरा बैकग्राउंड है तो मैं इसलिए बिजनेस से रिलेटेड जो फैक्ट्स है, जो रियलिटी है, उसके बारे में बताते रहता था। और इसके साथ जो मेरा पैसन है, जो मेरा वर्क है, वो तो टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे में जो है दोनों चीज़ जो है एक चैनल पर होना, तो कुछ जो सब्सक्राइबर हैं जैसे भी आप लोग हैं, हो सकता है कि आप जो है टेक्नोलॉजी को पसंद करके आए होंगे मेरे चैनल पे, और कुछ लोग हो सकता है वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे में आप जो है बिजनेस वाला वीडियो देख करके आए होंगे। अब क्या है ना कि ये चीज़ समझाने में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टीज हो रही है। देखिए दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आपको बिजनेस से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि ओवरऑल आपको लाइफ में जब आप आइएगा, हो सकता है स्टडी करते होंगे तो आपको कल के डेट में या जॉब कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन बिजनेस वाले टर्म से रूबरू होना पड़ेगा। आपके रियल लाइफ में जो है कूट कूट के ये चीज़ जो है प्रैक्टिकली होने वाला चीज़ है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ बिजनेस वाले वीडियो देखा कीजिएगा। लेकिन जो बिजनेस से रिलेटेड है वो लोग जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखते हैं। यही रीज़न है कि जो मेरा टेक्नोलॉजी वाला वीडियो है बहुत काम का रहता है। मैं आप लोग को अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देख के चैनल पर आए हैं तो भी आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखिए, क्योंकि मेरा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाने का जो थीम रहता है, जो पर्पस रहता है, वो दूसरे से डिफरेंट रहता है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो है फैक्ट्स को एक्सप्लोर करता हूँ, रियलिटी बताता हूँ, आपको सेफ्टी से रिलेटेड बताता हूँ, आपको आगाह करता हूँ, और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे जो है कोई चीज़ में कंपेयर किया जाता है तो कौन अच्छा है कौन बुरा है। काम का ही वीडियो रहता है, फालतू वीडियो तो मैं जल्दी डालता ही नहीं हूँ। तो दोस्तों क्या होता है यहाँ पे कि YouTube में ये एल्गोरिथम है कि जिस वीडियो पे वॉच टाइम ज़्यादा होगा वो वीडियो जो है ज़्यादा ज़्यादा मतलब व्यू होगा उस पर आएगा, लोगों के पास सजेशन ज़्यादा जाएगा। अब होता क्या है, एक तो है कि भैया आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाए होंगे। अगर मान लीजिए कि मेरे पुराने वीडियो से आए होंगे तो कभी कभार आपके सामने जो है मेरा वीडियो आ जाता हुआ तो आप देख लेते होंगे, अदरवाइज आपको वो वीडियो नहीं दिखता होगा, आपके सामने आता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है। अगर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस किए भी हुए हैं, आपके कैटेगरी का आपके मन लायक वीडियो नहीं आता है। शुरू में आपका क्या है ना कि मैं क्लिकबेट ज़्यादा नहीं करता हूँ कि वहाँ पे कुछ और दिखा दूँ, ऐसा हाइक बता दूँ और इसके बाद जो है पता चले कंटेंट जो है अंदर में वीडियो के अंदर है, वो चीज़ आपके काम का है ही नहीं, तो फिर वैसे वीडियो को बनाकर क्या फ़ायदा है। या एक चीज़ और मैं कहता हूँ जो कि मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग जो है अपने व्यू पाने के लिए जो कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे चलता रहता है, किसी के बारे में बोल देना, किसी के बारे में अपना अपने आप ओपिनियन दे देना, कि मान लीजिए दो लोग का झगड़ा हो रहा है, बहस हो रहा है और आपका उससे लेना देना नहीं है, और इसके बाद उससे रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। यार मेरा ये कहना है कि मैं वीडियो क्यों बनाऊँ? आप जो है मेरे चैनल पर क्यों आए हैं, इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब किए हैं? इसलिए कहें कि आपके फायदे का, आपके काम का, आपसे रिलेटेड जो कंटेंट है उसको दिखाओ। अब किसी दो में झगड़ा हो रहा है उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी बना दूँ, टैग लगा दूँ, अब क्या है कि उसके फैन देख रहे हैं, उसके फॉलोअर देख रहे हैं, ऐसे करके होता है, अपना व्यू तो ले लेते हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे ऐसे रीज़न है। मेरा मेन पर्पज़ में देखा हूँ, एनालिटिक्स में रिपोर्ट देखा हूँ, तो मेरा बिजनेस से रिलेटेड जो भी वीडियो आता है वो तुरंत ऐसे हाइक हो जाता है और आगे अच्छा खासा चलता है। वैसे मैं अभी जो आप रिसेंट में देखे हुए कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं वीडियो स्टार्ट किया हूँ, इसका रीज़न भी यही है कि जो लोग बिजनेस के फील्ड में आते हैं या अभी लर्निंग के पीरियड में हैं, स्टडी पीरियड में है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उनको तो आने वाले समय में जो है ऑनलाइन पैसा जो अर्न है उसको कमाने का मौका मिलना चाहिए। कैसे है, क्या है, सारे फैक्ट्स को जानकारी होना भी जरूरी होता है, इसीलिए वो सीरीज भी शुरू किया और इसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी का जो फैक्ट्स है, रियलिटी है, एक्सप्लेनेशन है, वो सब तो बताते रहता हूँ। तो यही सब रीज़न है, यही रीज़न है कि जो इस चैनल पे जो है सब्सक्राइबर ज़्यादा है, व्यू कम है। वैसे टेंशन नहीं है दोस्तों कि व्यू कम है, क्योंकि मेरा पर्पस यही रहता है कि आप लोग में से जो हो, जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट उनको तो फ़ायदा मिलता रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर पहली बार आए इस चैनल पे
तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, रेगुलरली वीडियो देखते रहिएगा। और लाइक, अगर इच्छा है कि इस वीडियो को लाइक कर दे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, कुछ लोग होंगे जो डिसलाइक भी मार देंगे, क्योंकि हेटर्स की कमी यहाँ पर नहीं है। एनीवे, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।